चोर तो प्रधानमंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी है, साबित करिए। चुनाव आएगा ना तो वो हारे के उसका समय है ना, तो अगला के पहले जेल डाल दो तो कैसे हम चुनाव जीते। लैंड फॉर जॉब घोटाला लालू जी नहीं किया है? घोटाला तो बीजेपी सबसे झूठा घोटाला बीजेपी है। लैंड फॉर जॉब मामला हुआ था, जमीन लेकर नौकरी दिए थे लालू जी? दिए थे तो लोग कह रहा है, मीडिया बोल रहा है। 7 अक्टूबर को पेश होना है पूरा परिवार को? तो पेश होंगे नहीं, जो जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब आपको लगता है घोटाला हुआ? बिल्कुल हुआ है। और जब जमीन लेकर नौकरी दिया? बिल्कुल दिए है, तमीन भैया है। हाँ, कांग्रेस बीजेपी के राज में तो मान नहीं मानते कि ठीक है बीजेपी किया। हाँ। भाई कांग्रेस के राज में हुआ तो इसलिए हम मान रहे हैं। भगवान को जल भेजेगा बीजेपी वाला? लालू यादव भगवान है बिहार का, भगवान बिहार का भगवान है, भगवान को जल भेजेगा। एक चार पाई पे बैठने वाला इंसान आज सख मलमल के पत्थर पे बैठ रहा है, प्राइवेट जेट पे अगर बैठ रहे हैं तो इस भ्रष्टाचारी में योगदान किनका रहा? तो हमारे मोदी जी भी गुजरात प्लेटफॉर्म पर चाय बेच रहे थे, आज 8,000 करोड़ के प्लेन पे कहाँ घूम रहे हैं? 80,000 का सूट क्यों पहन रहे हैं? लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। जी हां, समन मिल गया है और 7 अक्टूबर को जो है पेश होना है लालू परिवार को। और सबसे बड़ी बात आपको बता दे कि एक नया चेहरा जो है इसमें जुड़ चुका है, तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे का भी नाम सामने आ रहा है। जनता है, जनता के बीच है, जनता से जानते हैं कि जनता क्या सोचती है लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के। जो सुनवाई होनी है, पेशी होनी है 7 अक्टूबर को, उसको लेकर के बिहार की जनता क्या सोच रही है, क्या कहिएगा? लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। तेजस्वी जो 10 साल के 13 साल के थी उसको जॉब फॉर मामले में भेज रहे हैं, ये शर्म की बात है मुख्य प्रधानमंत्री को। मतलब प्रधानमंत्री जेल भेज रहे जी, चोरी किया है, जांच हो रहा है। जो 13 साल को चोरी करेगा, क्रिकेट में जो था वो चोरी करेगा, वो क्रिकेट में अपना ध्यान दिए हुए थे। मतलब चोर का भी उम्र होता है? चोर का भी उम्र होता है क्या? चोर तो प्रधानमंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी है, साबित करिए। अरे पूरा विपक्ष साबित करेगा। कब साबित करिएगा? अरे करने के लिए राहुल गांधी तो प्रूफ दिए है। जो मामले में लालू परिवार की मुश्किल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। 7 अक्टूबर को बढ़ेगी ना, तो बिहार से सत्ता गायब हो जाएगा बीजेपी का। बिहार से सत्ता बीजेपी का? हाँ, गायब। देश पर हुकूमत है, बिहार से गायब? अरे बिहार से गायब हो जाएगा, अभी तो झारखंड हरियाणा दोनों जगह से गायब हो जाएंगे। खड़ा हो, क्या कहिएगा? लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ रही है, 7 अक्टूबर को पेश होना है। किसको? लालू परिवार को। लालू परिवार को कि लालू जी को? लालू परिवार को। परिवार में इसका काची दोस्त है? लालू यादव, तेज प्रताप यादव, पहली बार नाम जुड़ गया उनका भी, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू परिवार। सुनिए ना, ये अभी बीजेपी वाला सबके चाल है, ठीक है? 2025 में चुनाव होने वाला है और बिहार पूरा मंगलमय है तेजस्वी यादव से। हाँ, पूरा मंगलमय है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव हर जगह, तेजस्वी यादव, इसलिए बीजेपी के पूरा दम धर के दम पूरा नेरेटी तक आयल है कि बाप रे बाप कहीं कुछ मतलब ये करेंगे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएगा। यही चलते ही सब बीजेपी वाला के चाल है कि कुछ वाला का चाल है। हाँ, बीजेपी वाला के चाल है। चोरी नहीं हुआ है? कुछ चोरी नहीं हुआ है। जो बोला है कि लैंड ऑफ जॉब लिया है, काची काची लैंड फॉर जॉब, सबके बोले ये जिसको जिसको अगर जमीन दिया है जॉब लिया है तो बोला तो जा रहा है। जो कर्मचारी है वो अपनी माँ को लेकर के पहुँचे। हाँ, पहुँचे। अगर जमीन लिया तो प्रूफ करें। जमीन लेकर नौकरी दिया है? कुछ नहीं है, सब अफवाह है, कुछ नहीं है। सब बीजेपी वाला के चाल है, सब बीजेपी जॉब मामला वही ना, पूरा बीजेपी वाला के चाल है कि जाना 25 में चुनाव होने वाला है। मतलब बीजेपी पूरा था। अगर आप में मर्डर किए हैं, आप अगर मर्डर किए हैं, अगर आप विपक्ष में हैं, तो आप में ईडी सीबीआई सब चीज लग जाएगा, ठीक है? अगर आप तुरंत में बीजेपी ज्वाइन करते हैं सब चीज धुला हो जाएगा। कुछ नहीं, मतलब चोर नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं। फिर हम बिहारी हैं तो हमको पता नहीं है, कुछ चोरी नहीं हुआ। साबित करेगा आप चोर नहीं है? आप साबित करेगा कोर्ट ना करेगा? रो रहा है, हम कला रो रहे हैं। फसाया जा रहा, फसाया जा रहा है, बीजेपी फसा रहा है ना। तो बोलते रहा कि 2025 में चुनाव है, बीजेपी वाला पूरा ही किए वहाँ। बीजेपी फंसा रहा है जी तेजस्वी यादव और लालू यादव को? नहीं, कहाँ फंसा रहा है? लैंड फॉर जॉब मामला में सुनवाई है 7 अक्टूबर का, ये लोग करके फंसा रहा है? ना, ऐसा बात नहीं है कि फंसा रहा है। फॉर जॉब मामला हुआ है? नहीं फंसा रहा है, जो कोर्ट ने किया है वो संवैधानिक पद अपना लेके किया है, ऐसा बात नहीं, मनगढ़ंत बात है। लैंड फॉर जॉब मामला हुआ था, जमीन लेकर नौकरी दिए थे लालू जी? दिए थे तो ना, लोग कह रहा है, मीडिया बोल रहा है। 7 अक्टूबर को पेश होना है पूरे परिवार को? तो पेश होंगे नहीं, जो जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा ठीक है, चोरी किया है? किया है तो ना, लोग कर रहे हैं। गरीब का मसीहा है जी। अरे कहने से क्या होगा? अरे लालू यादव किए तो ना कर रहे हैं, नहीं कि ना लोग काला कहता, मीडिया काला कहता, कोर्ट काला कहता,
जाने दे ये अभी बोल ले चोरी ललका वाला सूट पहनले है ये केकरा देले पूछिए तो पूछिए मुखवा ये जो बोले है ये लोग ये 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 लोग अनभक्त लोग है ये लोग न सुनिए न सुनिए न लालू जी दिए न नीतीश कुमार दिया न रामविलास पासवान दिया तीन गो मंत्री मेरा बिहार रह चुका रेल मंत्री ये नहीं दिया ये ब्रिटिश सरकार ने दिया कि बोझा ढोना दो पैसा तुम्हारा होगा मतलब आपके हिसाब से लैंड फॉरजो मामला हुआ था घोटाला हुआ हुआ तो कह रहा है लेकिन लेकिन लैंड फॉरजो घोटाला ठीक है हमरा एक बात है कौन फंसा रहा है मोदी जी फंसा रहा है भाजपा वाला आ केस कब हुआ था कांग्रेस सरकार में तो ये कैसे हो गया जी कांग्रेस से भाजपा मिला लगा तब काहे ले जाके लालू जी मर आप शब्द नहीं बोल रहे जी पार्टी में काहे बना रहे हैं अरे क्या एक मिनट काहे ले बने संबंध मने मतलब आपको लगता है घोटाला हुआ अरे घोटाला भाई कांग्रेस ने करवाया जेल में कांग्रेस ने डाला सब चीज कांग्रेस ने किया मतलब लालू जी जमे लेकर नौकर दिए थे अरे सारा सर किया भाई कांग्रेस भाई उनका समर्थक है कांग्रेस उनके अलायंस में है भाई कांग्रेस केस कई ले कांग्रेस उनका जेल में डाले कांग्रेस उनका मार के समझिए कि चौपट कर दिया सरकार से भगा दिया और समझिए कि आज बीजेपी आरोप लग रहे हैं आज जो घोटाला कई ले तो भाई हम कांग्रेस निष्पक्ष काम करता है भाई कांग्रेस जेल में डाल रहे कांग्रेस उनका उनको समन भेजा की करवाया होगा मतलब आपको लगता है घोटाला हुआ था बिल्कुल हुआ है जब जमीन लेकर नौकरी दिया बिल्कुल दिए है तभी ना भैया है कांग्रेस बीजेपी के राज तो हम मान नहीं मानते कि ठीक है बीजेपी किया भाई कांग्रेस के राज में हुआ इसलिए हम मान रहे हैं चलिए क्या कहिएगा लैंड फॉरजो मामला को लेकर के लैंड फॉरजो मामला में है जो वो तेजस्वी यादव है लालू यादव है मतलब जमीन लेकर नौकरी दिया एकदम दिए हैं हाँ तो लोग कह रहे भाजपा फंसा रहे हैं अब उनके कहने से हो जाएगा सुबी सुरन पे भी बोले थे कि फंसा रहे हैं केजरीवाल पे भी बोला केजरीवाल पे केस कौन किया है राहुल कांग्रेस केस किया है बताइए अब इस पे बोलेगा कि मोदी जी रेल रहे हैं मतलब लालू जी घोटाला किए हैं एकदम किए हैं बताइए कह रहे लालू जी घोटाला किए हैं अरे हम तो भैया बोल रहे हैं कि सब देखिए चमचा उमचा ये सब है तो भाई बीजेपी के राज में होता ना तो हम भी बोलते कि छोड़ एक मिनट के लिए गलत है बीजेपी के राज में होता तो हम एक मिनट लंबी मान लेते गलत है लेकिन भाई कहले कांग्रेस ना जी तो कांग्रेस कहले तो भाई कांग्रेस गलत है बजे कांग्रेस की केस किया तो कांग्रेस जेल भेजा हाँ बता रहे दो हजार रुकिए सुनिए 2012 में किसकी सरकार थी किसका कांग्रेस का जेल कौन भेजवा लालू अभी ना कार्रवाई हो रहा है 2012 में जेल लालू यादव गया था बीजेपी सरकार में यादव 5 साल के लिए जेल गए थे किसकी सरकार तो अभी बीजेपी का सरकार रहा है तो बीजेपी ना करवा रहा है यह है कि लालू यादव 5 साल जो जेल खटे किसके सरकार में खटे फिर वही वाला बात बोल रहे हैं आप फिर गलत बात बोल रहे हैं असम का मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा फिर कहे नहीं जाएंगे ओकरो पर तो कांग्रेस केस किया था ओकरो पर कांग्रेस केस किया था तो कहां अभी बीजेपी में चला गया तो कहीं नहीं जा रहा है उसके पत्रकार महोदय का समझाइए कम से कम कि कांग्रेस ने इस केस में इनको मतलब जेल में कई बेल पे थे कम से कम ये बता दीजिए कि कांग्रेस ने जेल में डाला था इसी केस में ही बेल पे आए हैं और फिर जाके बोल रहे हैं बीजेपी अब ना आया 2014 से पहले होता तो हम भी मानते कि लालू जी को फंसा दिया लेकिन भाई धौसले तो कांग्रेस ने जी धौसले कांग्रेस है और कांग्रेस के फिर बोल रहे हैं गलत भरा बोला बोलिए लैंड फॉर जो मामला हुआ था सुनिए बताते हैं बीजेपी जो है ना बीजेपी जब चुनाव आएगा ना तो वो हारे के उसका समय है ना तो अगला के पहले जेल डाल दो तो कैसे हम चुनाव जीते लैंड फॉर जो घोटाला लालू जी ने किया है घोटाला तो बीजेपी सबसे झूठा घोटाला बीजेपी है उसका तो कोई हल लालू परिवार अब जेल जाएगा कर भाजपा वाला बीजेपी के तो वही काम है कि जो हमको से लड़ा उसको जेल डालो तब ये चुनाव हम जीतेंगे भाजपा वाला कह रहा लालू परिवार जेल बीजेपी को नहीं जाएगा बीजेपी को वही धंधे है उसका विरोध बोलो उसका जेल डालो जेल जाएंगे लालू जी नहीं जाएगा तेजस्वी यादव नहीं जाएगा सब चोर तो भाजपा वाला कह रहे सब परिवार जेल जाएगा कौन भाजपा वाला कितना दम है अरे लालू यादव भगवान है भगवान है भगवान को जेल भेजेगा वो भगवान को जेल भेजेगा बीजेपी वाला लालू यादव भगवान है बिहार का भगवान बिहार का भगवान है भगवान को जेल भेजेगा कांग्रेस 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 ने डाला था जेल में तो उस टाइम कौन थे लालू यादव चोर थे उस टाइम पे चोर थे अगर चोरी साबित हो जाएगा लालू यादव अगर जेल जाएंगे तो कोई दिक्कत ये भी लालू यादव चोरिया नहीं किया है भाई चोरिया नहीं किया है भाई भाई सुनो लालू यादव की टिप्पणी जहाँ कहानी पढ़े हो क्या जी लालू यादव की कहानी पढ़े हो चुप रहो हमको बाप दादा बताया है लालू यादव का कि ऐसा ऐसा लोग कुर्सी पर बैठे नहीं देता था ओए ओए लालू यादव ओए ओए
देखिए टीका लगाई ले, देखिए देखिए लालू यादव लैंड फॉर जॉब घोटाला किए थे कल यहाँ बिल्कुल आरोप लग रहा है ना, आरोप लगा रहा है ना, ये मैं लगा रहा हूँ आरोप। लालू यादव के पूरा जीवनी टिप्पणी अगर पढ़िए, एक चारपाई पर बैठने वाला इंसान, एक चारपाई पर बैठने वाला इंसान आज संगमरमर के पत्थर पर बैठ रहा है, प्राइवेट जेट पे अगर बैठ रहे हैं तो इस भ्रष्टाचारी में योगदान किनका रहा, समझे? अब बताइए, जो बोल रहे हैं कि चार पाई पर बैठने वाला लालू प्रसाद यादव वो आज मखमल पर सूत रहा है, ठीक है, तो हमारे मोदी जी भी गुजरात प्लेटफॉर्म पर चाय बेच रहे थे, आज 8,000 करोड़ के प्लेन पे कहा घूम रहे हैं, 80,000 का सूट क्यों पहन रहे हैं? सरकारी प्लेन से घूम रहे हैं ना, सरकारी प्लेन से घूम रहे हैं। आप बताइए, आप बताइए, ये बताइए, चार पाई पे बैठने वाला इंसान को आप बताइए, संघ मलमल में पत्थर बैठा, उनका बेटा प्राइवेट जेट में बैठ के बिस्लरी पानी से हाथ धो रहा है, और दूसरी बात घोटाला हुआ, बिल्कुल घोटाला हुआ, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जाएंगे। चलिए, तो तमाम जनता से, तमाम जनता की बातों का अपना अनुसरण, कई लोग कह रहे हैं कि वाकई में लैंड फॉर जॉब मामला जो है, लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब लैंड फॉर जॉब मामला हुआ था, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को फंसाया जा रहा है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट्स में कुछ जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।